हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स, और फिर हम लोग आएंगे चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे हम लोग समझेंगे कि किन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे इसका स्टॉप लॉस दे सकते हैं और कहाँ पे इसका टारगेट लिया जा सकता है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की रिटेलिंग के बिजनेस में है। अब यहाँ पे ये सारे बिजनेसेस आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने के लिए ज़रूर मिलेगी कंपनी में, क्योंकि ये सारे आइटम एसेंशियल होते हैं, और ऐसे एसेंशियल आइटम्स आप लोग देखोगे कि इनकी ग्रोथ मतलब ईयर ऑन ईयर बनी रहती है। तो अगर आप लोग ऐसे लोग हैं जिनको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया के अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हो, और उसके अंदर एक मतलब कुछ समय के लिए बाइंग करके रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल आपको कंसिस्टेंट रिटर्न ये देगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आपको बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए, मतलब आप लोग अगर बड़े रिटर्न या मल्टी बैगर रिटर्न के पीछे भागते हो, तो यहाँ पे आपको ये शायद ना प्रोवाइड कर पाए। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में अगर आप लोग जाओगे तो बहुत सारे बिजनेसेस पहले से है, और यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कंपनी की मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जब तक कंपनी के पास मार्जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं होता है, तो तब तक वहाँ पे मतलब कह सकते हो कंपनी बहुत लंबे समय तक बहुत तगड़ा रिटर्न नहीं दे पाती है। अब यहाँ पे बात की जाए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो थोड़ी सी यहाँ पे कम है, बट उसका भी एक रीज़न है अपना यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी इक्विटी डाइल्यूट की है, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कम नज़र आ रही, सॉरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम नज़र आ रही है। और तो हाँ, आरओई के अंदर ये थोड़ा सा काम कर सकते हैं, और आरओई जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक किसी और भी आपको रीज़न मिलेगा कि यहाँ पे बहुत मल्टीबैगर रिटर्न नहीं बन पाएगा। लेकिन ऐसी कंपनीज के अंदर आप लोगों को अगर थोड़ा सा सस्ते भाव पे मिले, और यहाँ पे कंपनी के अंदर अच्छे कह सकते हो प्राइस एक्शन के साइज मिल साथ मिले, तो यहाँ पे इसको कंबाइन करके एक बहुत अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे हम लोग एक स्विंग ट्रेड की बात जरूर करेंगे वीडियो के एंड में, चार्ट्स पे जब हम लोग आएंगे तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अब यहाँ पे फर्दर अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, और उसके हिसाब से कंपनी के स्टॉक की पी बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग को एक ठीक ठाक वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके स्टॉक की पी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। तो यहाँ पे अगर कंपनी कुछ परसेंट ऊपर भी चली जाती है, 20-25%, 30% ऊपर, तब भी यहाँ पे इसके स्टॉक की पी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद अगर इसके इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री के पी 81 के आसपास की देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे और आया जाए तो यहाँ पे देखोगे डेट और रिजर्व्स में, तो डेट इनके कंपैरेटिवली ज़्यादा है रिजर्व से, तो फिलहाल ये थोड़ा सा एक इशू है इसके साथ। और सेल्स की बात की जाए तो सेल्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली आप लोग देखोगे लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ा जा रहा है, जो कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स बढ़ती है। उसके साथ साथ कंपनी अगर कुछ नहीं, मार्जिन तो बहुत ज़्यादा इन पे होती नहीं है, तो उसके बाद इसी के साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे इनकी नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ती रहती है, तो कंसिस्टेंट रिटर्न ये डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। तो पोर्टफोलियो स्टेबलाइजर की तरह भी आप इसको रख सकते हो, मतलब ऐसी कंपनीज जो कि कंसिस्टेंट आपके रिटर्न पोर्टफोलियो में बनाते रहते हैं। प्रमोटर्स की बात की जाए तो 77% पे फिक्स्ड है अभी, FIs की यहाँ पे होल्डिंग बढ़ी है, DIs की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट्स पे, चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पे एनुअल लेवल से थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हुआ है, गिरने के बाद यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बनाया है, और यहाँ पे हम लोग को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद देखोगे थोड़ा सा रीटेस्ट किया है, तो अभी यहाँ पे आप लोग दो तरह से बाय कर सकते हो, या तो पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग को देखना होगा कि यहाँ पे एक वाले इस वाले लेवल पे एक बार क्लोज मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो यहाँ पे आप लोग को वेट करना होगा कि 80 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिले। दूसरी चीज़ आप लोग कर कह सकते हो यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आपको सेफ प्ले करना है, तो एग्जैक्टली इस वाले लेवल को आप लोग क्लियर कर लेने देना, मतलब 81.05 के ऊपर क्लियर कर लेने देना, उसके बाद यहाँ पे बाय करो। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एक थोड़ा सा देखोगे तो जोन बना हुआ है, जोन क्या होता है, जब यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट के जस्ट ऊपर एक छोटा सा आप लोगों को रेजिस्टेंस मिले, तो इसको भी क्लियर कर रहे हो तब आप लोग बाय कर सकते हो। अगर थोड़ा सा अर्ली बाय करना चाहते हो तो 80 रुपीज़ पे बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप तो उसके बाद स्टॉप लॉस क्या लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे सिंपली इन वाले लेवल्स पे लोगे। दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आप लोग 81 के ऊपर बाय कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको करना क्या होगा कि जब इसके ऊपर चली जाएगी ना कैंडल, तब आप लोग स्टॉप लॉस बनाना। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, वो आपका 78 वाले लेवल्स पे होगा। तो थोड़ा थोड़ा स्लाइड सा शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में तरीके जो बताए। उसके बाद आप लोग को मेन फोकस जो होना चाहिए वो टारगेट के अंदर है, बाइंग तो मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर चलती है। उसके बाद अगर लेकर देखा जाए तो आप लोग को अगर यहाँ पे टारगेट की बात की जाए तो पहला टारगेट 91 में पड़ेगा इस वाले स्विंग के आसपास, फिर दूसरा टारगेट आपका 99 के पास आएगा। परसेंटेज वाइज क्या होगा, मैक्सिमम माने 81.05 पे अगर आप लोग खरीदते हो तो आपको पहला टारगेट जो होगा वो यहाँ पे आपको 12% की ट्रेड देगा, उसके बाद दूसरा टारगेट जो होगा वो आपको 20-23% दे जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो इसी के साथ फिलहाल चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।